please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से इन्फोग्राफिक शेप क्रिएट करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2019 है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो आप इजीली यहाँ पर किसी भी तरीके का डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली चार्ट के ऊपर में क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान से देखिए, चार्ट के ऊपर में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी चार्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए दोस्तों पाई चार्ट यूज करना चाहूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं सिंपली ये वाला डू नॉट साइज यूज करूँगा और इसको क्लिक करते हुए ओके बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। और जब मैं ओके बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक्सेल का सीट ऑलरेडी क्रिएट होकर आएगा। दोस्तों सिंपल है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो भी आपको एक्सेसरीज वगैरह चाहिए तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए डिलीट कर लीजिए। डिलीट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सिंपल आपको यहाँ पर 0.35 या फिर आपको जो भी साइज वगैरह देना है तो आप दे सकते हो और उसके बाद दोस्तों 0.65 इस तरीके से आप देकर यूज कर सकते हो। उसके दोस्तों आपको इसको आप अब नहीं चाहिए तो आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इसके अंदर आपको डबल टैप करते हो, आपको यहां पर साइड करते हो, आपको जो भी यहां पर टेक्स्ट है आप इजीली यहां पर टाइप कर सकते हो। उसके लिए मैं सिंपली यहां पर इंग्लिश टाइप करूँ, जस्ट मैं यहाँ पर इंग्लिश के लिए कुछ इस तरीके का एक यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहूँगा। और उसके बाद दोस्तों आप इसको रिसाइज कर सकते हो, जो भी रिसाइज वगैरह करना है तो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से साइज वगैरह छोटा कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्मेट के ऊपर में जाकर आपको ये दो को एक ही साइज पर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 दिया है, इसको भी मैं यहाँ पर 2 दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा तरीके से 2 का साइज यहाँ पर हो चुका है। अब मैं सिंपली ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं क्लिक कर दूँ, इस तरीके से डिलीट भी कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर काम हो चुका है। अब आपको जो भी इसके अंदर कलर वगैरह चेंज करना है जस्ट इसके ऊपर में क्लिक करना है। दोस्तों जो भी कलर यहाँ पर लगा था उसके ऊपर में क्लिक करते हैं, आपको कलर फॉर्मेट पर जाकर आपको जो भी कलर पसंद है, जस्ट मैं यहाँ पर इसके ऊपर में क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर में। और उसके बाद दोस्तों मैं फॉर्मेट यहाँ पर मैं सेव फिल, तो मैं यहाँ पर इसको रेड कलर या फिर इस तरीके का रेड कलर दूंगा। उसके बाद दोस्तों सेव इफेक्ट में जाकर मैं यहाँ पर प्रीसेट चेंज करूंगा। कुछ आपको जो भी प्रीसेट वगैरह देना है तो आप दे सकते हो। इसके ऊपर मैं क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं इसको सेफ फिल के ऊपर में जाकर कुछ इस तरीके का एक कॉलर फिल करूंगा। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए व्हाट इज स्टाइल 1, तो यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको मैं दूंगा दोस्तों जस्ट 65% कुछ इस तरीके से टाइप करूंगा। और इसको मैं सेटल करते हुए यहाँ पर मैं नो स्पेसिंग करूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज करूंगा और यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूंगा जस्ट कुछ इस तरीके का बोल्ड सा फॉन्ट। आप चाहे तो जो भी आपको फॉन्ट पसंद है आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया है। अब मैं इसको सिंपली इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए कॉपी करूंगा या फिर आप इसको अंदर क्लिक करते हुए कंट्रोल डी कर लीजिए डुप्लीकेट। यहाँ पर देखिए इजिली डुप्लीकेट हो चुके। अब आपको सिंपल है दोस्तों इसी के ऊपर मैं आपको क्लिक करते हुए कंट्रोल होल्ड करते इसको कॉपी करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी लैंग्वेजेस आता है तो आप यहाँ पर इजिली टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैंने हिंदी टाइप किया है। अब मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेटिंग चेंज करूंगा। उसके लिए दोस्तों जस्ट मैं इसके ऊपर में क्लिक करूंगा फॉर्मेट और या फिर आपको डिजाइन के ऊपर में क्लिक करते हैं, आपको एडिट डेटा के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एडिट डेटा के ऊपर में क्लिक करूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको टाइप करूंगा 0.60 और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 0.40 जस्ट कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारे तरीके से ये भी यहाँ पर बन चुका है। अब मैं फिलहाल के लिए इसको क्लोज करूंगा, फिर से इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए या फिर इसको कंट्रोल डी करते हुए डुप्लीकेट। और उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर टाइप करना है जैसे कि फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स टाइप किया है, इसको सेम प्रोसेस अप्लाई करूंगा। इसको मैं यहाँ पर दूंगा दोस्तों जस्ट 40% और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसको टाइप करूंगा 25%। आपको जो भी जितना परसेंटेज अप्लाई करना है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा या फिर इसको मैं आप फॉर्मेटिंग डेटा चेंज कर सकते हो। इसको डिजाइन के ऊपर में क्लिक करते हुए एडिट डाटा के ऊपर में क्लिक करते हुए आपको डेटा एडिट करना है। जस्ट मैंने यहाँ पर इसको टाइप किया है 0.50 और उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर मैंने इसको टाइप किया है 0.30, तो कुछ इस तरीके से इजीली यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर इस तरीके का एक इन्फोग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। आप इसी तरीके से जो भी इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर तो इजीली क्रिएट कर पाओगे। ये वाला आपको आउटलाइन नो करना है तो आपको इसको रिमूव आउटलाइन भी कर सकते हो और इसको भी आपको रिमूव आउटलाइन, ये भी आपको रिमूव आउटलाइन, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर मैंने इन्फोग्राफिक्स का एक डिज़ाइन क्रिएट कर चुका हूँ। दोस्तों आप इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर इन्फोग्राफिक्स का डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलने अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।